Very good morning, class first. Now continue our chapter number 11, use of his, her, their and its. Chapter number अपन 11 कर रहे थे अपना. Topic है आपका use of his, her, his, her, their and its. ओके, सो कल हमने इसका मीन पढ़ा था कि हिज का अर्थ क्या होता है, देयर का अर्थ क्या होता है एंड इट्स का मीन क्या होता है, हमने ये डिस्कस कर लिया था. सो आज हम डिस्कस करेंगे इसका प्रयोग, मतलब इनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे. सो प्रयोग लिखेंगे हम फर्स्ट इज हिज का प्रयोग किसी लड़के या पुरुष की किसी वस्तु को बताने के लिए किया जाता है. सो हिज का अर्थ लिखेंगे हम हिज का प्रयोग किसी लड़के या पुरुष की किसी वस्तु आदि को बताने के लिए जाता है, किसी वस्तु आदि को बताने के लिए किया जाता है. या जाता है इसका अर्थ कहाँ प्रयोग करना है हमको बच्चों, लड़के या पुरुष कि किसी वस्तु को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे. ओके, सेकेंड आ गया अपना हर. हर का प्रयोग किसी लड़की या स्त्री, लड़की या स्त्री की किसी वस्तु आदि को बताने के लिए किया जाता है, आदि को बताने के लिए किया जाता है. क्या प्रयोग करेंगे हम हर का प्रयोग, किसी लड़की या स्त्री का किसी वस्तु आदि को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है. इट्स थर्ड आता है आप, इट्स इट्स का प्रयोग वस्तु, शिशु, या पशु पक्षी आदि कि किसी वस्तु को, कि किसी वस्तु को बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर, देयर.
देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक से अधिक लड़के लड़कियों पुरुषों स्त्रियों वस्तुओं शिशुओं पशु पक्षियों आदि को बताने के लिए किया जाता है। एक से अधिक लड़के लड़कियों पुरुषों स्त्रियों वस्तुओं शिशुओं पशु पक्षियों पक्षियों आदि की किसी वस्तु आदि को बताने के लिए रहता है। किसी वस्तु आदि को बताने के लिए रहता है, आदि को बताने के लिए किया जाता है। ये तो हो गए बच्चों इसके प्रयोग, मतलब आपको इसका यूज कहाँ करना है, ओके कहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। बट हिज हर देयर एंड इट्स के साथ में किसी नाउन का आना जरूरी होता है। नाउन मीन्स कोई भी संज्ञा। इन शब्दों के बाद सिंगुलर संज्ञा एक वचन भी आ सकती है, प्लूरल बहुवचन भी आ सकती है। ओके सो मैंने आपको इसके प्रयोग लिखवाए हैं। सो आपको ये प्रयोग अपनी नोटबुक में क्या करना है, नोट डाउन करना है। हम इसको कल भी डिस्कस कर सके थे, सो आज आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।